मॉर्निंग, वेलकम टू आवर शो गपशप। मैं हूं आपकी क्यूट सी होस्ट कायनात काज़मी। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादर। और मैं हूं आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन। और मैं हूं आपकी होस्ट अनम गौहर। माय नेम इज यूनुस खान एंड आई एम अ क्रिकेट पोएट। सोचो ये क्या है, ये मैं शायर बन गया हूं, क्रिकेट का शायर बन चुका हूं। तो अर्ज किया है, इंडिया के करेंसी नोट पे होता है फोटो ऑफ गांधी। ओके, इंडिया के करेंसी नोट पे होता है फोटो ऑफ गांधी। पाकिस्तानी जीत गए फ्रॉम काली आंधी। मुझे ऐसा लगता है कि कभी आप इतना हिलते हैं, कभी गिर ना जाएं चेयर से। नहीं देखे, मैं इंडिया नहीं हूं जो मैं गिर जाऊंगा। मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं। बट हैविंग सेड दैट, काली आंधी को मजा चखा दिया पाकिस्तानियों ने पहले T20 में। वाह 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 वाह, क्या बॉलिंग किया मोहम्मद वसीम ने, क्या बैटिंग की है हैदर अली ने। मतलब हैदर अली इज द फ्यूचर स्टार ऑफ पाकिस्तान। बहुत अच्छी बैटिंग की एंड ही वाज द मैन ऑफ द मैच। तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम स्पेशली बाबर आजम की कैप्टनसी के लिए ताली। ये थी गुड न्यूज। अब देना बैड न्यूज। बैड न्यूज भी है जी। जी देखे, हर जो चीज है उसके दो पहलू होते हैं, ठीक है। तो दिस अ गुड साइड, दिस अ बैड साइड। क्रिकेट की नहीं है ये, ये है ओ मी कुरान की। इस्लामाबाद में टेस्टिंग के लिए गया था कराची का सैंपल द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में। और वो सैंपल को जो कराची से आया था वो कंफर्म हो गया कि इसमें जो वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन का है। ओके, ओमिक्रॉन 63 कंट्रीज में ये जो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो पाया गया है। मेजर कंट्रीज में आपको बता दूं, ये एक पिक्चर है, देखें आप, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्रिटेन, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड्स, फ्रांस, स्कॉटलैंड, स्पेन, ये मेजर कंट्रीज हैं। और 63 कंट्रीज में और ओमिक्रॉन का वेरिएंट पाया गया है। अच्छा यूनुस, वैसे तो हम सबको पता है ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में, लेकिन मजीद तफसीलात के साथ आप बताएं कि एग्जैक्टली ये ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या है और ये कितना खतरनाक है। देयर इज अनदर इमेज ऑन द स्क्रीन इफ यू कैन सी। देखिए, जो कोरोना वायरस था, जो अल्फा था, जो बेसिकली अल्फा वो है जो वुहान से निकला था, ठीक है। उसके बाद उसका बेटा आया, फिर गामा आया, फिर डेल्टा आया। बेटा इन नॉट सेंस के बेटा, अरे बेटा किधर जा रहे हो, वो बेटा नहीं। ये वो टर्मिनोलॉजी है कि जो स्टार्टिंग का होता है। जी जी। जैसे अगर आपने वुल्फ्स के अगर देखा है, वुल्फ्स का गैंग देखा होगा, जो सबसे टॉप लीडर होता है ना वो अल्फा होता है, उसके बाद उसकी जो पोजीशन होती है वो, ठीक है। तो गामा, डेल्टा, अब डेल्टा के बाद ये आया है ओमिक्रॉन। अगर आप नोटिस करें, अल्फा वॉज फाउंड इन यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, जो वुहान से आया था COVID-19, उसका जो पहला मॉडिफाइड वायरस था या वेरिएंट कह सकते हैं वो था अल्फा। इट केम इन यूनाइटेड किंगडम 2020। देन वी हैव साउथ अफ्रीका में आया है बेटा 2020 साउथ अफ्रीका। एंड देन गामा आया ब्राजील November 2020 एंड डेल्टा इंडिया से आया था October 2020। इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर इसी टाइम पे आ रहा था। सर्दियों में ये बूस्ट कर जाती है। अब जो ये वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, ये डिस्कवर हुआ है बोस्ताना कंट्री में। ये अफ्रीका का कंट्री है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कंट्री है। साउथ अफ्रीका साइंटिस्ट ने इनको WHO को 24 नवंबर को WHO को पुश किया था, बताया था कि ये एक और वेरिएंट आया है। उल्टा क्या हुआ, सब लोग अगेंस्ट हो गए साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के ये भी तो है ना, जो बोले वो कुंडी वही बोले, ये भी मसला है ना। WHO ने 26 नवंबर को देखिए, दो वेरिएंट, एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स है और एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। ये 26 नवंबर को वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डाल दिया इस वेरिएंट को जिसका नाम है ओमिक्रॉन। ये एक और ग्राफ दिखा रहा हूं मैं, अगर आप देख सकते हैं गौर से, ये जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है ये था लंबोदा, ये दिसंबर पेरू में आया, डेट ऑफ डेजिग्नेशन 14 जून था। दूसरा है मू, ये मेरा मू नहीं है, ये आपका मू नहीं है, ये एक और वेरिएंट है मू। अब आ जाए वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स, इसके तीन पॉइंट्स हैं, जो ऐसी चीज जो कंसर्न है कि इस पे हमें कंसर्न करना चाहिए या ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है फ्यूचर में, उसके तीन पॉइंट्स होते हैं हाउ टू जज। एक नंबर वन है कि ट्रांसफर जो है, जो ट्रांसमिसिबल जो परसेंटेज बढ़ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसफर होने की इम्कान बढ़ जाते हैं और वो तेजी से ट्रांसफर होती है डिजीज, ये नंबर वन पॉइंट होता है कंसर्न है भाई। नंबर टू है सिम्टम्स इंक्रीज हो जाते हैं, नॉर्मल फ्लू होगा आपको, ठीक है, लेकिन यार इसमें जा ही नहीं रहा है, खांसी भी हो रही है, छींके भी आ रहे हैं, आंखों से पानी निकल रहा है, टेस्ट भी फील नहीं हो रहा, ये बढ़ते जा रहे हैं सिम्टम्स, ठीक है, ये कंसर्न नंबर टू हो गया। पॉइंट थ्री जो होता है वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस है, ओके, पॉइंट थ्री ये है कि जो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। मैंने दो लगा दिए, वो
डोजेस बूस्टर भी लगा दिया मेरे को फिर भी हो सकता है exactly. ये उस वैक्सीन से स्ट्रॉन्ग वेरिएंट आया. मुझे एक बात बताएं, ये जो लास्ट वाला पॉइंट आपने खत्म किया उसमें ये भी कहा जाता है कि इट्स नॉट अबाउट कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ही खतरनाक है. कोई भी, जैसे आपने बोला कि दो लगवा लिए डोजेस तो उसके बाद आप बूस्टर लेते रहें वो ज्यादा अच्छा है. लेकिन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो नॉर्मल फ्लू होता है और ये जो ओमिक्रॉन की वजह से हमें फ्लू या वायरस होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत बारीक सा होगा आई एम श्योर, लेकिन आवाम को थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज दें. देखिए सबसे मेन बेसिक डिफरेंस है वो तो है कि जैसे कि ये ओमिक्रॉन फ्लू और वो है सिंपल फ्लू, तो इंग्लिश का थोड़ा सा डिफरेंस है. सेकंड कमिंग टू दिस पॉइंट के देखिए आपको शायद पता नहीं है कि जो नॉर्मल फ्लू सीजनल फ्लू जो कहते हैं उसकी भी वैक्सीन आती हैं. हर साल वो वैक्सीन अपडेट होती है. डू यू नो दैट? क्योंकि वो फ्लू जो है जो नॉर्मल हमें छींकते हैं जुकाम हो गया बुखार हो गया, ये भी वेरिएंट होता जा रहा है क्योंकि इस पे कोई बात नहीं करता, इतना डेंजरस नहीं है. लेकिन तो उसके साथ तो हमने जीना सीख लिया ना. ऑब्वियसली सेम गोज विद दिस, मगर कोरोना के साथ भी हम लोग जीना सीख लेंगे. अच्छा यूनुस, ये वही बात है कि जब हम दो साल में उस चीज को हम समझ नहीं सके, जैसे कि हम लोग संभाल ही नहीं सके, जैसे एकदम से बीमारी आ गई और बहुत ज्यादा पैनिक हो गया और मतलब हमें पता ही नहीं था कि स्टार्ट कहाँ से लेना है. फिर जैसे जैसे लोगों ने चीजों को समझाते गए वैसे वैसे सब करते गए, तो उन सब चीजों में दो साल बीत गए. लेकिन ये बात तो आप कह रही ना कि पैनिक कर दिया. आप खुद देखें पहले तो लोग समझ ही नहीं रहते कि कोरोना है कि नहीं है. जब तक आप बीमारी को मानते नहीं है तो आप मेडिसिन क्या लेंगे? क्योंकि आप तो समझ रहे हैं कि ये हुकूमत की तरफ से या किसी और की तरफ से दबाव है, बायो वॉर है. मतलब पढ़े लिखे लोगों का भी इस चीज में यू नो स्टार्टिंग में वो लोग भी अपनी डिफरेंट राय दे रहे थे, तो शायद इस वजह से जो है बहुत ज्यादा पैनिक हुआ है और हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया. इस्लामाबाद में खातून है डॉक्टर अर्जा के नाम से, अशरा के नाम से जो है, उन्होंने ये बोला कि लोग वैक्सीनेशन नहीं लगा रहे हैं, वैक्सीन लगाएंगे तो आप बचेंगे ना. एक फॉर एग्जांपल हमने डेल्टा से वैक्सीन नहीं लगाई थी, हम कह रहे हैं हम ओमिक्रॉन से मुकाबला करेंगे. मैं बहुत अच्छा मुकाबला करता हूँ, इसको नहीं आता, मैं इसको सिखा दूंगा. ऐसा नहीं होता, आपको करना पड़ेगा, वैक्सीन लगानी पड़ेगी. बूस्टर भी नहीं काम कर रहे ओमिक्रॉन के सामने, मैं ये बता दूं आपको इतना. अच्छा यूनुस, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपने कहा कि लोग बूस्टर लगवाएं और वैक्सीन लगवाएं ना, अभी जो रीसेंट रिपोर्ट आई थी उसमें तो ये भी कहा गया था कि अभी जो ये ओमिक्रॉन है उसके लिए कोई भी वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है क्योंकि ये वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है. सो एक अगर हम इसको एक रेशो के तौर पर बताएं तो किस हद तक जो है वो डेल्टा से ज्यादा ओमिक्रॉन खतरनाक है? सना आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं आपको जवाब देता हूँ. लेकिन देखें अगर प्रोटेक्शन जो है मेरी 20% है वैक्सीन से, ओमिक्रॉन की 100% पार है तो 20% तो मैं सेफ हूँ ना, नंबर वन ये. और आपका दूसरा सवाल जो है ओमिक्रॉन कितना डेंजरस है डेल्टा से, वो मैं आपको जवाब दूंगा ब्रेक के बाद. कहीं नहीं जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि ओमिक्रॉन कितना डेंजरस है डेल्टा से. जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक चूहा है ठीक है, उसके सामने एक शेर खड़ा हुआ है, इतना डिफरेंस है ठीक है. वो अलग बात है, ये चूहा भी शादी से पहले शेर ही था, लेकिन आई एम टेलिंग यू वो मैटर करता है. अब बताता हूँ ओमिक्रॉन डेंजरस क्यों है. क्या हो गया कहना था ओमिक्रॉन जो है वो 50% मोर म्यूटेटेड है एज अ ओवरऑल वायरस. उसकी जो स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन क्या है, वो जो उसकी वो स्पाइक्स बने हुए यूं करके, वो जो है डेल्टा का 9% का ठीक है, नॉट लाइक दिस 9% था. और जो ओमिक्रॉन का है इसका 32% ज्यादा है. उसमें म्यूटेशन क्या होती है, अगर आपने एक्समैन देखी है, एक्समैन अगर आप में से किसी ने देखी है, एक्समैन में क्या होता था कि एक बंदा आंखों से लेजर मार रहा है तो उसको म्यूटेंट्स कहते थे. ये इंसानी डीएनए से चेंज होते होते वो कहीं ना कहीं और म्यूटेट हो गया. तो सेम गोज हियर. एंड नंबर टू ये है 500% मोर ट्रांसफर होने के चांसेस. डेल्टा करंटली 80-90% कंट्रीज में पाया जा रहा है जो कि सबसे डेंजरस है. अब आप समझे 500 टाइम्स मोर परसेंटेज, 500 टाइम्स मोर ट्रांसमिसिबल है ठीक है, 70% डेल्टा से ज्यादा, 500% अगर परसेंटेज के हिसाब से निकाले तो 100 में से निकालेंगे तो 70% बढ़ेगा. यूनिवर्स नहीं, 500% कह रहा हूँ मैं. अगर वो 1% अगर 100 की परसेंटेज निकालेंगे तो 70 होगा, 1000 की निकालेंगे. अच्छा देखें इनको प्लीज मैथ के ट्यूशन दिलाएं. मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मैं बताऊँ 500% इज बिग थिंग ठीक है. कमिंग बैक टू दिस, एक और एक जनरल सर्वे. अब थोड़ा सा मैं बहुत डरा दिया, थोड़ा सा वो भी समझा देते.
कि भाई कुछ डरने की बात नहीं है, आपने आपने घबराना नहीं है. अच्छा, जो वायरसेस मोर डेडली होते हैं दे आर लेस ट्रांसमिसिबल एंड दोज वायरसेस दैट आर मोर ट्रांसमिसिबल आर लेस डेडली. ये एक जनरल ओपिनियन है बट वी डोंट नो ओमिक्रॉन येट. अभी दो हफ्ते लगेंगे इस बात को करने के लिए. इज अ फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल चीज फैल जाती है आसानी से, वो डेडली नहीं होती. और जो डेडली होती है एक जनरल ओपिनियन है, बट कोरोना पे उल्टा हुआ, ठीक है, ओमिक्रॉन पे भी उल्टा हुआ, बट सम व्हाट कहते हैं क्योंकि इसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा ट्रांसफर होने की, तो चांसेस लोग कह रहे हैं कि शायद कम हो, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट बिकॉज़ हम हमारे मजहब में भी कि अल्लाह से हमें माफी मांगनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि ये जो बला है ये टल जाए. एहतियात जरूरी है बस. अच्छा यूनुस, मेरा एक सवाल है, दुनिया का क्या रद्द अमल है इस सारी चीजों में? आप देखिए दुनिया का, तो दुनिया में सच्ची बताऊं बहुत लोग फारिग लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, ये भी है दुनिया फारिग है, ठीक है, ये दुनिया ही, ये जहाँ ही फारिग है, असल जहाँ तो वहाँ है, हमें वहाँ की तैयारी करनी चाहिए, ये टाइम पास है. जैसे अल्लाह माफ करे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्या होता है इस मुल्क में, कि अक्सर लड़के, अब लड़कियां भी हो रही हैं एडवांस हो गए, लड़के क्या करते हैं, ये मेरी टाइम पास वाली गर्लफ्रेंड है, ये इससे मैं शादी करूंगा, कंटिन्यूस चल रहे होते हैं, गलत है. आप अगर यहाँ पे बैठे टाइम पास करेंगे तो आप ऊपर सक्सेसफुल होंगे. टाइम पास करना है, बेहतर टाइम पास करना, इन्वेस्ट करना है, दिस इज अबाउट इन्वेस्टिंग. करना ही क्यों है, इतना टाइम है किसके पास जो आप वेस्ट. मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रही, जनरली क्या अच्छा बात है, जनरल ओपिनियन बता रहा था. एंड कमिंग बैक टू माय ओमिक्रॉन, देखिए फ्यूचर क्या है, ये जो हो रहा है, पहले तो सब पैनिक हुए, ओए लो लो लो, साउथ अफ्रीका के साथ ये हो गया, जिसमें बोला जो बोले कुंडी वही खोले, फंस गए. अब क्या होगा नेक्स्ट टाइम, क्या होगा जो फ्यूचर कंट्रीज हैं, कहीं वेरिएंट मिला तो कहेंगे चुप हो जाओ भाई, ट्रैवल बैन लग जाएगा. ये मैं आपको एक फिगर दिखा रहा हूँ यूएस की, जिसने बैन किया है साउथ अफ्रीका को. ये सिर्फ यूएस का ट्रैवल बैन है, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन हो गई. ऑस्ट्रेलिया लॉकडाउन में चला गया, ऑस्ट्रेलिया ने बोला भाई हम नहीं कर रहे भाई, ये ओमिक्रॉन खा जाएगा हमें. यूके एंड यूके साइड नो अफ्रीका, कोई अफ्रीका का बता नहीं चाहिए. पाकिस्तान ने भी ट्रैवल बैन लगा दी, इनबाउंड हाउस ट्रैवलिंग जो भी है वो बैन कर दी फ्रॉम दीज कंट्रीज. अब ओवरऑल क्या, मैंने आपको एज आई टोल्ड यू कि अब कोई वेरियंट आएगा फ्यूचर में तो कंट्रीज नहीं बताएंगे क्योंकि बैन हो रहा है. मैं आप लोगों का ओपिनियन चाहता हूं कि कैसे इस चीज से, देखें हमें पता है पेंडेमिक से फाइट कैसे करना है. एक मैं ट्रिक आपको बता देता हूं, देखिए सिंपल चीज तो ये है, ये आपने रखना ही हूं. देखिए मैं आज सिखा दूं लोगों को मास्क कैसे पहनते हैं, हमारे मुल्क के लोग भूल गए मास्क पहनना. आप ग्लासेस पहनते, ग्लास उतारे, ये रखे नाक पे, ये ऐसे ऐसे किया, ऐसे कवर करके आपने बाहर जाना है, ठीक है. देखें ऐसे पहनते हैं, ठीक है, अगर आप मेरी तरह ग्लासेस पहनते तो फिर ये यूं ग्लासेस आ गए. ये मास्क पहन के जाना है आपने रोडों पे जाना है, ये सैनिटाइजर है, ये यूं किया आपने, आपने पूरा यूं किया, ये देखें ऐसे करते बच्चों, यूं यूं फुल ऐसे, शाबाश, ऐसे करना है, ऐसे करेंगे तो हम बच के रहेंगे, वरना रात को ओमिक्रॉन आ जाएगा, जल्दी सोना है. ये चीजें जी जी मैं आपको, यू लुक सो क्यूट बाय द वे, माशाल्लाह बोले प्लीज. अच्छा अच्छा मैं बस एक बात बता दूं, मैं आप लोगों को ओपिनियन चाहता हूं कि आप मुझे बताएं क्या ये ट्रैवल बैन करना, ये लोगों को रिस्ट्रिक्ट करना सही है या गलत है, या इस चीज से कैसे फाइट किया जाए, प्लीज पहले. ओके, तो प्रीवियस शोज में आई गेस वो आप ही थे जो बोल रहे थे कि हमें बैन कल्चर जो है उसको बंद करना चाहिए, जी, जी. हमें सेंसिबल होना चाहिए, लेकिन दिस इज समथिंग कि बैन कल्चर नहीं बंद होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें वाकई इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि उनको आप बैन नहीं करें तो वो फिर फैलती चली जाती है, एंड दिस इज अ रियली हार्मफुल डिजीज, एवरीवन शुड स्टे प्रोटेक्टेड. जी कायना, मेरी इसमें राय बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आप ये नहीं कर सकते कि आप बैन कर दें, आप उनको बंद कर दें. आप बहुत सारे ऐसे गरीब मुल्क हैं जो बहुत छोटे हैं, इकॉनमी उनकी टफ है, अगर वहाँ पर लोग बिजनेस करने के लिए, छोटी छोटी चीज़ें करने के लिए बाहर जा रहे हैं. लेकिन मैं आपको मुख्तसर सा ये कहूँगी कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये कि अगर आप बैन कर रहे हैं तो जिन कंट्रीज़ में ओमिक्रॉन जो है वेरियंट मतलब पाया गया है या फिर पता चल गया कि साउथ अफ्रीका में, तो आप रिस्ट्रिक्टेड कर दें कि वहां के लोग आए तो यहाँ पर आप 12-13 दिन उनको SOPs में रखें, सारी चीजें प्रॉपर अब मुझे पर्सनली ये लगता है कि तासुब नहीं होना चाहिए, वो इस तरह नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो ट्रैवल बंद कर दें. और अभी रिसेंटली आपने देखा कि सऊदी अरब में जो है वो बड़ी तादाद में लोगों ने वहाँ कॉन्सर्ट भी किए, और हमने देखा भी सही कि वहाँ पर किस तरह के अवाम इतना आपस में मिले हुए थे, पता नहीं क्या था वो, मुझे तो पर्सनली समझ भी नहीं आया. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एहतियात अफसोस से बेहतर है, एहतियात जरूरी है. बिल्कुल, मैं दोनों से इतफाक करती हूँ, वाकई में बैन करना जो है वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो हमारे हालात हैं मुल्क के वो डे बाय डे बिगड़ते ही जा रहे हैं. जैसे कि रोज तबका जो है, जैसे कि काम करने वाले लोग हैं वो बेचारे कैसे अपनी चीजों को, गरीब तबका जो है वो कैसे अपने रोजमर्रा को कैसे चलाएगा.
तो मुझे नहीं लगता कि ये लॉकडाउन या बैन चीजें हो जाए और सब चीजें जो है ट्रैवलिंग भी और सब चीजें, क्योंकि वही बात है ना कि इकोनॉमी जो है उस पे कितना असर आता है। I'm going to say, I agree to you, but I'm telling you what is reality, सच क्या है। अब देखो मैं क्या करूं, क्या हो रहा है यहाँ पे, जो गरीब बंदा है, जो मिडिल क्लास है, वो ट्रैवल फंस गया है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, वो नहीं जा पा रहा, ठीक है। अमीर आदमी अपने प्राइवेट जेट निकाला चलता था, अमीर आदमी जा रहा है, ठीक है। नंबर टू दूसरा, मैंने साउथ अफ्रीका से बैन कर दिया, भाई साउथ अफ्रीका से कोई ट्रैवल नहीं होगा, कोई एयरप्लेन नहीं होगा, मैं बैठा हूँ साउथ अफ्रीका, मैंने जाना है यूएस, मैं जाऊंगा पाकिस्तान, पाकिस्तान से कनेक्टिंग फ्लाइट थी, अमेरिका चला गया, जहां जहां खुला हुआ है वहां तो चला गया ना मैं। हाँ। तो ये भी गेम हो रही है, पाकिस्तान ने बैन कर दी है। देखिए बैन कर दिया, टेलिंग यू, आई एम गिविंग एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अमेरिका ने कोई तो कंट्री खोला होगा, जो 193 कंट्रीज है, दो मशकूक है, दो मशकूक कंट्री वो वाले नहीं है जो गली में घूम रहे हैं, वो नहीं, उनका भी स्टेबल चल रहा है। 195 कंट्रीज है, मैं किसी भी कंट्री में जाके अमेरिका जा सकता हूँ। अमेरिका ने तो बैन उस पर्टिकुलर एयरलाइन से, उस पर्टिकुलर कंट्री से किया है ना। लाइक ऑब्वियसली यू नो हमने पास्ट में ये सारी चीजें बहुत देखी है, ऑब्वियसली, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए पहले भी कोरोना वायरस था, ट्रेवल बैन था, कोरोना वायरस इंक्रीज हो रहा था, ऐसे ऐसे कंट्रीज में जा रहा था जहाँ पे सोच नहीं थी। बहुत सारी चीजें, देखिए ब्रेक का टाइम हो गया, हमने बहुत बात कर ली, बस मैं ये कहता हूँ अपने हाथ धोएं, मुंह में मास्क लगाएं और लोगों से दूर रहें, सोशल डिस्टेंस रखें, बचेंगे, वैक्सीन लगाएं। इंपॉर्टेंट जी, एक एंटरटेनर है हमारे पास ब्रेक के बाद, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों आज मेरा जन्मदिन है, मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है, बल्कि इस बात की खुशी है कि मेरी जिंदगी का और एक साल कम हुआ। मुझे लंबी उम्र की दुआ ना दो, जितनी भी गुजरी ना गवार गुजरी। अरे जब मैंने दिल में रहने वालों की कदर नहीं की, तो घर से जाने वालों की कदर क्या करूँगा। मास्टर तुम खाली बातों की चिड़ियाँ रफू कर सकते हो, दिलों के छिदड़ों को नहीं। चल जा। वेलकम बैक, पहली परफॉर्मेंस इन्होंने हमें कांटेक्ट किया, हमारा काम है आपको प्लेटफॉर्म देना, तो तालियां बजनी चाहिए जोरदार नुमान अली के लिए। कैसे नुमान? शुक्र है अल्लाह, ठीक। क्या करते हैं? पढ़ भी रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ईयर में। अरे वाह, फर्स्ट ईयर में कौन सी फील्ड? एक्टिंग का शौक क्यों है? बहुत वैसे ही देख देख के, फिल्में देख देख के। अच्छा, नर्वस हो? नर्वस हो? चलो एक्टिंग करते हैं, साथ आ जाओ। यूनस के लिए तालियां। नुमान के लिए तालियां, ठीक है। अब मेरे साथ फॉलो करोगे, ठीक है। पहले तो आवाज है गेम, एक्टिंग की आवाज गेम है, ठीक है। आ जाओ, अंदर बनो, ठीक है। अब मेरे पीछे फॉलो करोगे, ठीक है। अब हम शाहरुख खान का डायलॉग बोल रहे हैं, ठीक है। नैना आकाश में तुम्हें बता सकता, नैना आकाश में तुम्हें बता सकता, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। ये हाथ मिला ना, एक्सप्रेशन मिला। हाँ, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। ओवर देख, मैं तुम्हें समझाता हूँ एक्टिंग की। आप समझो कि अभी फ्रिज से नए निकले हो, सर्दी काम पी रहे हो, ठीक है। तो कांपना भी है, ठीक, कांपो सर्दी से, ये बॉडी लैंग्वेज आ गई, ठीक है। नैना आकाश में तुम्हें बता सकता हूँ, नैना आकाश में तुम्हें बता सकता हूँ, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। ये डिंपल आओ, लेकिन तुम्हें जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा। कसम से इमरान खान जिंदाबाद। जरूरी है कि अपने आपको बूस्ट करें, जो आप एक दिन पहले थे उससे बेटर बनना है, वो वेदर वो एक्टिंग हो, वो पढ़ाई हो, वो जॉब हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बाकी एक अच्छा एक्टर बनना है तो इसमें कोई बुराई नहीं, क्या सीखे आप बेहतर होते दिन ब दिन, आप किसी ना किसी चीज से या किसी प्लेटफॉर्म से, लाजमी नहीं है, मैं अगेन कहती हूँ, अगर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोगों के लिए मैसेज है, लाजमी नहीं है कि आप बड़े इंस्टीट्यूट पे जाकर ही एक्टिंग सीखे, आप देख भी सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी वीडियोज हैं, बड़े एक्टर्स को देखें तो आप बहुत अच्छे, बहुत अच्छे एक्टर बन सकते। और मैं कुछ कह दूँ कि कायनात की बात से वो लिंकअप करी थी, तो मैं बस शाउट आउट देना चाहती हूँ कि हाँ ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन ये जो आके आपने फेस किया ना, फर्स्ट टाइम किया ना आपने,
कैमरा जो फेस, क्योंकि लोग तो आते ही नहीं, उनके अंदर इतना डर होता है कि वो इतना शायद कौन जाए, घर पे बैठे थे, बट एटलीस्ट आप उठ के आयो, आपने सोचा, ये जेन बनाए, तो इसके लिए भी हैट्स ऑफ, क्योंकि ऐसी जो एनर्जी होती है वो लोगों में यूजुअली बहुत कम होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अनम दूसरी चीज ये है, कॉन्फिडेंस होगा तो आप आगे बढ़ सकते हैं, चाहे आपको कुछ आता है या नहीं आता, कॉन्फिडेंस हो। और जैसे कायनात ने भी आपको एक बात कही है कि आप बुक्स पढ़ें या किसी चीज को आप फॉलो करें, तो उससे भी आप बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है। नुमान ये बताएं कि आपने कहा आप फर्स्ट ईयर में है, कौन सी फील्ड है आपकी? मेरी कारपेंटर में मतलब काम भी करता हूँ मैं। एजुकेशन में कौन सी फील्ड है बेटा? साइंस, कॉमर्स। वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। सो देखें, ये तो आपकी स्टडी भी साथ साथ चल रही है, और एक्टिंग एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर नेचुरल भी होती है आपके अंदर, बस अगर आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और अगर अच्छे लोग मिले तो वो आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से बताते हैं, पॉलिश करते हैं। इंस्पिरेशन किसको देखा मैंने? 16 साल के फॉर नॉट रॉन्ग 17 साल के, तो 19-20 का फर्क है, 16-17 के फर्क है, तो कितना करेक्ट करने की जरूरत है? बदमाशी करने आए हो आप? अच्छा, ये बताए कि आप इंस्पायर किसको देखा यार, ये देखा है, अब मैं भी एक्टर बनूं? मतलब मैं इंडियन मूवी ज्यादा देखता हूँ, तो अजय को देखा या गोविंदा को? अजय, ये ऐसे टूटे करके जी। नहीं, फेवरेट हीरो अजय देखो ना? फेवरेट हीरो वो है कमांडो जो फिल्म बनी थी, एक्शन मूवी ज्यादा पसंद है, एक्शन मूवी पसंद है। जैकी चैन के फैन है? नहीं, हाँ, लेकिन जो कमांडो ने दो पार्ट या तीन पार्ट बनाए थे ना, वैसे नाम मुझे नहीं आ रहा उसका, वो अच्छा हैंडसम बंदा है वो, बट वेरी गुड, मतलब जिम भी जाओ ना, शर्म नहीं आ रही? एक्शन में पसंद है ये, जिम जाने का टाइम नहीं मिला। नहीं, अक्षय कुमार भी जब आया था तो स्टंट्स करता था तो बहुत ही स्किनी था, ऐसी बात नहीं। एग्जैक्टली, अक्षय कुमार तो अपने शशके उसके नहीं, और जितने भी हीरोज आए हैं वो सब स्किनी ही थे, और जब उन्होंने आगे चल के उन्होंने अपनी बॉडी बिल्डिंग और उस चीज के ऊपर काम करना उन्होंने स्टार्ट किया, इवन यूनुस भी अगर आप देखे ना तो वो भी स्किनी ही थे। यस, दैट इज कॉल्ड सिक्स पैक्स, दैट्स नॉट स्किनी। अच्छा नुमान, आपकी फैमिली सपोर्ट करती है आपको एक्टिंग के लिए? जी। क्या बोलते हैं? वो भी बोलते हैं कि करना चाहो तो कर लो, सपोर्ट है फैमिली। जब आपने बताया कि आप प्ले एंटरटेनमेंट आ रहे हैं, प्ले एंटरटेनमेंट जा रहे हैं और जाकर अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाएंगे, तो कितने? मेरा बड़ा भाई साथ आया ना। बड़ा भाई साथ आया? अच्छा, अभी हमारी लड़ाई भी नहीं हुआ, अपने बड़े भाई को साथ ले आए? व्हाट इज दिस बिहेवियर नुमान अली? अच्छा, वैसे क्या पेरेंट्स क्या करते हैं? सर, माँ बाप नहीं मेरे, खाली भाई हैं। आई एम सो सॉरी। तीन भाई हैं और एक बहन है। मैं अल्लाह ब्लेस दिस सोल। ये एक और बात है कि अल्लाह अगर आपसे ऐसी टीम, लेकिन हैट्स ऑफ टू योर बिग ब्रदर। भाई के बारे में मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह अगर आपसे कोई कीमती चीज जैसे हमारे माँ बाप छीन लेता है तो उससे उस लेवल तक की तो नहीं दे सकता, लेकिन आपको बहुत देगा इंशाल्लाह। बस आपने दो चीजें याद रखनी है, एक मेहनत करनी है पागलों की तरह, दूसरा अपनी नीयत साफ करनी है, उसके बाद आप किसी भी चीज पे हाथ रखेंगे अल्लाह आपको देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी चीज ये है कि माशाल्लाह आप बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, जब आप इनर ब्यूटी जब आप बाहर लाएंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें बहुत अच्छी लगेंगी और इजी लगेंगी, तो अपने माइंड को जो है वो बहुत बड़ा रखना है। अच्छा नुमान, ये बताएं कि आप चले स्टडी कर रहे हैं, एक्टिंग का आपको बहुत ज्यादा शौक है, उसके अलावा क्या करते हैं? उसके अलावा मेरी अपनी शॉप है कारपेंटर की। अरे वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। सबसे कर रहे हैं कारपेंटर का काम? बचपन से कर रहा हूं, हमारा खानदानी काम है। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, बहुत खुशी होती है जब इस तरह से अपने यूथ को देखें कि वो फोकस भी है, काम भी कर रही है, उन्हें उनके जो शौक है उनको भी फॉलो अप कर रही है, कि ऐसा नहीं कि आप काम पे फोकस करके या स्टडी, तो आप अपने शौक को बिल्कुल साइड पे कर दें, जैसे होती है मोहल्ले में इंटरेस्ट है इनका। मेरी आशिक है, कभी भाई की भाई ने बोला आओ नुमान खड्डा है चलो? नहीं, यूनुस भाई इतना मासूम है कि मुझे नहीं लगता कि इसकी कभी लड़ाई हुई हो। I guess he is such a brave man, क्योंकि उनके पेरेंट्स नहीं है ये, और इनका भाई जिस तरीके से अपना गुजर बसर करेंगे तो माशाल्लाह, और काफी यंग भी है, तो इस उम्र में इतनी ब्रेवरी और इतनी स्ट्रेंथ का होना, रियली हैट्स ऑफ टू यू। अच्छा, एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि लड़के खास तौर पर जो है वो ऐसा करते हैं कि अगर उनके सर पर पेरेंट्स का साया ना हो तो वो अपनी स्टडी भी छोड़ देते हैं ज्यादातर, लेकिन अच्छी चीज ये है कि ये खुद कमा रहे हैं और अपने ऊपर स्टडी भी साथ में कंटिन्यू की है, दैट्स रियली अमेजिंग। तो ये सबसे अच्छी चीज है, हमें जरूरत है ऐसे लोगों की कि वो स्टडी को जो है वो कंटिन्यू करें हर शौक के साथ। अच्छा सना, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर आए और अपना उन्होंने टैलेंट दिखाया, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको और भी मजीद जो है वो प्लेटफॉर्म मिलेंगे, और प्लीज आप डिसहार्ट मत होइएगा। सबसे अच्छी बात जो आपकी लगी मुझे वो ये कि आप हमारे शो में
हमारे शो में चार चांद लगा दी, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आपने बिखेर दी। वरना हम सना को देखते हैं सुबह आगे हमारा मुंह वैसे और यू नो हमेशा कोई ना कोई आकर हमेशा हम सबको सिखा के इंस्पायर कर दो, देखने वाले लोग भी बहुत मोटिवेट होंगे। अच्छा नुमान, मुझे बस एक जल्दी से सवाल का जवाब दे दो, 10 साल बाद अपने आप को कहां देखते हो एक्टिंग या अपने पूरे चेन बनाई हुई कारपेंटर की? क्या ये तो 10 साल होंगे तो पता चलेगा क्या बनते हैं। अगर आप भी इस शो में आना चाहते हैं, अपना टैलेंट शोकेस करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करें ना। हम ब्रेक का टाइम हो गया है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी हम बात कर रहे थे कोविड और ये ओमिक्रॉन के बारे में, जैसे कि एक बीमारी है और ये 2 साल से हमारे जो मुल्क में जो है वो क्या कहते हैं चिपक गई है, और इसके बाद जाने का कोई नाम ही नहीं ले रही, और कोई ना कोई जो है वो अपनी करवटें चेंज करते करते जो है वो अपनी चीज़ें बदल रही है, और शक्ल के तौर पर जो है वो अपना रूप दिखा रही है। आपको पता ही है कोरोना वायरस की आखिरी शक्ल क्या आएगी? क्या कचरा। बाकी में ठीक बात है कि जितना ये कोरोना वायरस बदल बदल के आ रहा है ना, ये लगता है मुझे इंसानों से इंस्पायर्ड है कि वो अपनी चीजें जो है वो बदल बदल के निकाल रहे हैं, शक्लें बदल रही हैं, रंग रूप बदल रहे हैं, इंसान बदल रहा है। अभी exactly. कुछ और है, 2 मिनट बाद कुछ और है, बॉस के सामने कुछ और है, ड्राइवर के सामने कुछ और है, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में तब्दीलियां आ रही हैं, जज्बात बदल रहे हैं और हालात बदल रहे हैं, तब्दीलियां आ रही हैं। और दूसरी चीज, मैं आपको एक छोटी सी बात एक एडवाइस करना चाहूंगी कि अपने आसपास जो है वो सफाई रखें, क्योंकि उसकी वजह से भी बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती हैं। सो ये हम कह ही सकते हैं, बाकी आप लोगों का अमल करना आपका काम है। सो मैं आज अपनी गुड न्यूज के साथ आती हूँ एज यूजुअल, कि आज भी मैं गुड न्यूज लाई हूँ, और वो गुड न्यूज ये है कि पिशावर का एक प्रोजेक्ट था जो कि गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है, और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। आप लोगों को पता होगा कि ये जो ग्रीन लाइन बसेस जो है ये सारी चीजें जो है वो चल रही हैं, मगर वहां पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि उन्होंने उसके ऊपर सक्सेस हासिल की है, और वो मैं नाम आपको बताती हुई चलूं, बस रैपिड ट्रांसिट। अच्छा, आपको एक बात बताती हुई चलूं कि वहाँ पे पिशावर में ऐसी फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से वहाँ के जो मुसाफिर थे उन लोगों को कितनी दिक्कत और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, और ये बस की वजह से, ये जो बसेस इन्होंने स्टार्ट की हैं उसकी वजह से, मैं आपको एक रिकॉर्ड बताती हुई चलूं कि 2 लाख के करीब डेली मुसाफिर जो है वो सफर करते हैं उन बसेस में। एग्जैक्टली तो ये बहुत बड़ी बात है, जैसे कि आप जो बसेस में ट्रैवल करते हैं उनसे आप पूछे कि कितने उनको डेली रूटीन में कितनी तकलीफ होती होगी। जैसे लेट सपोज उनको कहीं जाना है तो वो 6 बजे उठ के बेचारे उनको 8 बजे तक उनको पहुंचना होता है किसी भी जगह पे, या कोई भी अपनी जॉब पे या अपनी जगह पे उनको जाना पड़ता है। प्लान कर रहे हैं या मतलब स्टार्ट हो गया? हो गया, स्टार्ट हो गया, प्रोजेक्ट ग्रीन सिग्नल मिल गया उसको। एग्जैक्टली ये स्टार्ट हो गया। कुछ मेरा पिशावर पठान भाई आप सबको मुबारक है। BRT की मैनेजिंग कंपनी के जो मेंबर हैं उन्होंने बताया है, मोहम्मद उमर साहब ने ये बात बताई है कि कितनी सस्ती है, कितनी सेफ है और कितनी रिलायबल है। कि मतलब आप डेली रूटीन में भी नॉर्मली जो है इंसान कितना ट्रैवल कर लेगा, मतलब 40 रुपए या 20 रुपए, तो उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि जितनी सस्ती होगी उतना ही इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। सस्ती मैं तो ऐसे रैंडम बता रही हूँ आपको कि इतनी मतलब हम लोगों के लिए जो है 20 रुपीज या 40 रुपीज जो है वो इजी आप बंदा ट्रैवल कर सकते हैं। दूर दराज तक आपको कहीं भी जाना तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, आरामदेह होगी ना। एग्जैक्टली वैसे ये सस्ती है, मैं आपको जवाब दूं, ये सस्ती इसलिए है कि अगर आप मुझे भी जवाब दे रही हैं। नहीं, आपने पूछा ना, आवाम ऑडियंस के दिमाग में जरूर ये सवाल होगा, तो मैं इसका आपको जवाब दूं कि ये अगर आप नॉर्मल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है उसमें अगर आप जाएं तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जो है वो आपके हार्डली 25 या 30 लगते हैं, लेकिन इसमें जो है वो काफी आपका एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन नहीं बल्कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जगह तक वो 30-40 में जाना इजीली आप पहुंच सकते हैं। तो ये अच्छी बात है, मतलब लाइक आरामदेह जिसको कह सकते हैं कि आरामदेह ये चीज है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और गुड न्यूज बताती हुई चलूं कि ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट 2022 में जो है वो नॉमिनेट हुआ था, जो कि अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें नहीं हो पाई, और मतलब कोई बात नहीं, अगर नॉमिनेट भी हुआ तो ये भी बहुत बड़ी बात है।
तो ये इस चीज के लिए हम लोगों को एक क्लैप तो बनती है, क्योंकि आपको बाहर जाकर आपको अगर एक चीज में नॉमिनेशन मिले या आपको नॉमिनेट किया जाए, अगर अवार्ड नहीं भी मिला तो आपको बड़ी एक एजाज की बात है कि आप एटलीस्ट नॉमिनेट तो हुए। हकीकत बात है, मैं इस चीज से अग्री करूंगी। देखिए नॉमिनेट होना बहुत अच्छी बात है, और अगर आपकी कंट्री किसी अच्छी चीज में नॉमिनेट होती है तो ये बहुत बड़ी बात है। मैंने अपने रिसेंट अभी कुछ प्रोग्राम पहले ये बात की थी कि कराची में BRT मंसूबा शुरू हो गया है, और जो है वजीर आजम इमरान खान बाकायदा यहाँ पर आए और उन्होंने जो वादा किया था कि BRT मंसूबे की जो 100 बसें थी उनका बाकायदा इफ्तिताह किया, और वो इतनी कंफर्टेबल है, अगर आप जाएं और देखें इतनी जबरदस्त वो बसें हैं, आपको किराए में भी जो है वो काफी ज्यादा रियायत मिलती है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अभी रिसेंटली सर्विसेज दी है माशाल्लाह, अगर आप थक भी गए तो एक बंदा भी रखा उन्होंने। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है कि मालिश वालिश रखी हुई है या कोई आप लोगों को कोई ऐसी कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं है। सबसे सना आप बात को मुकम्मल करें तो मैं इस पे बात। तो कल मैं ट्विटर पर ट्विटर स्क्रॉल कर रही थी, उस वक्त मैंने देखा कि जो हमारे यहाँ के वजीर हैं नासिर हुसैन शाह साहब, वो आवाम से माफ़ी मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि अफसोस के साथ लेकिन 13 सालों में जो है वो सिंध हुकूमत ऐसा कोई खुद मंसूबा नहीं दे पाई। बहरहाल वो कीचड़ तो डालने की कोशिश कर रहे थे विफाक पर, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत जी है। जी जी जी। मैं भी इस पर ये कहना चाहूँगी कि चाहे KP की हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कोई भी पाकिस्तान में जब नई चीज़ होती है आवाम की सहूलत के लिए तो अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जो ये न्यूज़ सुनकर हुई है वो ये हुई कि अक्सर आपने देखा होगा कि बेचारे गरीब आवाम जैसे मजदूर तबका बहुत सुबह सुबह जा रहे होते हैं काम पे, तो वो बस फुल होती है तो वो ऊपर लटक रहे होते हैं, मजबूरी में लटक रहे हैं ना। और अक्सर बारिश के दिनों में भी आप देखो और तमाम ऐसी चीजें देखो तो वो अपनी जान को रिस्क में डाल के ऊपर बैठ जाते हैं। तो अब ये जो ग्रीन लाइन होगी तो डेफिनेटली इसमें तो ये सिस्टम नहीं होगा ना, पूरी सीट चलाई जाएंगी तभी तो, मतलब पूरी सीट को फिल करके दोबारा जो ग्रीन लाइन की दूसरी बसेज है वो आएंगे। यहाँ पे 100 बसेज आई है और पिशावर की बड़ी मुबारक मुबारकबाद देनी चाहिए उनको कि उधर भी आ गई है। बट हैविंग सेड दैट कि अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, एक जो मैं हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करना। पूरी दुनिया में इंटरनेशनल में जो वहाँ के गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो साइकिल पे ट्रैवल कर रहे हैं, एम्स्टरडम पे ले जाएं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं, उससे कहते हैं पोल्यूशन कम होती है, आपका मुल्क खूबसूरत रहता है, दुनिया बचती है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, जब तक आपके पास 4x4 ना हो, पीछे 4 गार्ड ना हो, आप बाइक वाले को उसकी हिकारत की नजर से ना देखे, उसको लगेगा चल तब तक मजा कहाँ है। और 150 मुसाफिर जो है वो उस बस में सफर कर सकते हैं, सबसे बड़ी चीज है, इतनी जबरदस्त है कि 150 मुसाफिर। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि जैसे अल्लाह पाक ने आपको नवाजा है ना माशाल्लाह से, बहुत सारी 5-6 सेंसेस से, ऐसे आपको अच्छा और बुरा देखना है ये भी आप पे छोड़े कि अब आप अच्छा देखें बुरा देखें। मैं हमेशा, ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है जो मैं जब भी मायूस होती हूँ, नेगेटिव होती हूँ, तो मैं ये मिसाल रखती हूँ कि एक ग्लास है ना उसमें इतना सा हाफ पानी होता है, नाउ इट्स अप टू यू कि आप उसको समझें कि ये हाफ फुल है या ये हाफ नेगेटिव है, वो आधा भरा भी तो है। तो अब तनकीद करने वालों पॉजिटिव क्यों नहीं देख रहे हो? आप हमेशा कहते हो कि पाकिस्तान में काम नहीं हो रहा, गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, प्रोग्रेस नहीं हो रही, लेकिन जो चीज हो रही है आप उस पे क्यों नहीं हाईलाइट करते हो, उस चीज को क्यों नहीं फोकस करते हो? तो प्लीज अपना जो एम्फसाइज है ना आप अच्छी चीजों पे करो, तो आपको खुद मतलब एक उम्मीद मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी और आपको खुद भी मोटिवेशन आएगी कि हाँ अच्छा काम हो रहा है। लेकिन इन द एंड में फिर वही बात अपनी दोहराऊंगी कि ये सब आपके दिमाग का गेम है, दिस इज ऑल इन योर माइंड, इन योर हेड, जैसा आप सोचते हो वैसा आपको दिखने लगता है, सो ऑलवेज बी पॉजिटिव। और भाई पिशावर वालों, अब मजे आ रहे हैं आप लोगों को, स्पेशली आप ये फर्स्ट डिजाइन की गई है, तो सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। पठान बड़े खुश हो गए होंगे, वो पेशावरी जो है वो शमले। अच्छा बस ये बता दो, पहली चीज रह गई थी उसी, और दूसरी चीज बाद में आएगी दूसरी बारी में। आप अपना, मैं अनम बता रहा था कि जो आपने बात की तंकीद करने वाले, मैं हमेशा ये कहता हूँ जो तंकीद कर रहे हैं ना वो अंधे नहीं है, वो भेंगे। जी, और दूसरी चीज ये है यूनस, वहां पर जो पोल्यूटेड जो वेदर है वो चीज खत्म हो चुकी है, क्योंकि जब ये इस टाइप की चीजें जब स्टार्ट होती हैं तो वहां पर पोल्यूशन खत्म हो जाता है। आई होप लाहौर भी खत्म हो जाए। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी कि आज से गपशप की इस पूरे शो में मैं ये चीज दिल से एक्सेप्ट करती हूँ और अप्रिशिएट करूंगी कि आज के बाद कोई भी बंदा, कोई भी को एंकर मेरी अच्छी बात करेगा, जैसे अनम ने अल्लाह की एक एग्जांपल दी कि अल्लाह की तरफ से कि आपको सेंसेस दिए कि आप अच्छा भी देख सकते हैं, बुरा भी देख सकते हैं, आप पर है कि आप क्या देखना चाहते हैं। इस तरह की कोई भी बात होगी जो मेरे दिल पे लगेगी या ऑडियंस के दिल पे लगेगी तो उसको अप्रिशिएट करें। ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये आज अपना जो है खुद से एक तरह से वादा करती हूँ और मुझे लगता है कि आप लोग भी इंप्लीमेंट करेंगे कि कोई भी हमें से खूबसूरत बात करेगा तो हमें उसको अप्रिशिएट करने के लिए उसके लिए हैट्स ऑफ करना। बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन
है ना, एक चीज मैं यहाँ पर कहूंगी क्योंकि ब्रेक का वक्त है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि नेगेटिव लोगों की सोच तब्दील करने के लिए आज मेरे पास भी बहुत कुछ है, तो आपने मेरे टॉपिक का भी इंतजार करना है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा कि हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, या दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या आ रहा है, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, इतनी चेंजेस आ रही हैं, और थैंक्स टू अल्लाह कि हम ये चीज़ जो है हम में इतनी पावर आती है कि हम आपको बता सकते हैं, और फिर आप जो है हमें अप्रिशिएट करते हैं। सो इट्स ऑल क्रेडिट गोज़ टू अल्लाह, और फिर उसके बाद हम सबकी मेहनत, हमारे डायरेक्टर की मेहनत, थैंक्स टू अल्लाह, और देन हमारे डायरेक्टर, हमारी टीम, हमारा प्लेटफॉर्म। एनीवेज, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जब इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है तो अक्सर लोग कहते हैं ना कि जैसे आपको एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, तो प्लीज़ बाहर से घूम कर आते हैं, वॉक पे चले जाते हो आप, आउटिंग। मैं एक ऐसी सतह पे बात कर रही हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों पर भी जब आपको टेंशन होती है तो आप कहते हैं अच्छा मैं बाहर से ज़रा होके आती हूँ, लेकिन अगर आपको बहुत बड़ी कोई टेंशन है, आपको चेंज चाहिए, तो क्या होता है, सबसे पहले आप ट्रैवलिंग करने को सोचते हैं कि मैं कहीं जाऊँ, मैं ट्रैवलिंग करूँ। लेकिन क्योंकि आजकल पिछले 2 साल से ये हालात ऐसे हैं कि ट्रैवलिंग का नाम सुनकर ही इंसान डर जाता है कि एक तो चलें ठीक है, कुछ आपकी क्योंकि इकॉनमी भी ठप हुई है कोविड के बीच में, तो आपको खर्चे की वजह से भी कि अच्छा वहाँ जाओ, खुदा ना खास्ता अगर आपको कोविड हुआ तो आपको 14 दिन जो है होटल पे अपने खर्चे पे रहना होगा, तमाम चीजें आपके ख्यालात आते हैं ठीक है दिमाग में। लेकिन मैं आपको बता देती हूं कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, पिछले कई सालों से हम अपने ऊपर, अब हम, हमें पता है कि हमारा मुल्क कभी भी उसने दहशतगर्दी का सपोर्ट नहीं किया, साथ नहीं दिया, लेकिन एयरपोर्ट वाली वो फीलिंग्स होती थी कि ग्रीन पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कहीं ना कहीं लोग जो है ना वो लाइक थोड़ा सा वो डल होते थे या नीचे देखते थे। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो बाकायदा अपने पासपोर्ट पर उन्होंने कवर्स, अपने कवर्स चढ़ा लिए कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर कवर्स। मैंने अपनी कितनी फ्रेंड्स है कि हम ट्रैवलिंग कर रहे थे तो उन्होंने कवर्स चढ़ा लिए, तो मैंने कहा क्यों, तो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट है। तो लिसन, अब पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू कैसे बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान भी शुमार हो गया 76 कंट्रीज के अंदर। 76 कंट्री वो है, कहीं आपके पास जब पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अमेरिकन वीज़ा होता है तो आपको टर्की ऑन अराइवल दे देता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का वीज़ा होगा तो आपको ऑन अराइवल। पाकिस्तान भी वीज़ा फ्री कंट्री में आ गया है कि बेलारूस जो है यूरोप का एक, यूरोप की कंट्री है, और बेलारूस ने अनाउंस किया है कि 76 कंट्रीज़ को वो जो है वीज़ा फ्री आने देगी, और 30 दिन तक आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं, मतलब 30 दिन वीज़ा ऑन अराइवल। एग्जैक्टली, मतलब वीज़ा फ्री इसलिए कहा है कि आपको वीज़ा के लिए प्रॉपर यू नो बैंकिंग और बहुत सारी चीज़ें जो है आपको करनी पड़ती थी, और वीज़ा भी रिजेक्शन यूरोप का क्या होता था कि लोग लगाते थे लेकिन टूरिस्ट का भी कितनी दफ़ा मैंने देखा कि रिजेक्ट हो जाता था कि आपका ये डॉक्यूमेंट पूरा नहीं, वो डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन बेलारूस ने कहा है 76 कंट्री के अंदर शुमार किया पाकिस्तान को, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पहले मैं आपको बताती हूँ कि बेलारूस क्या है, क्योंकि नाम से ही लोग बहुत अजीब वो सोच रहे कि ये क्या है। बेलारूस जो है लैंडलॉक कंट्री है, और ये ईस्टर्न यूरोप में आता है। इसकी टोटल पॉपुलेशन आप कह लें कि 9.4 मिलियन है, इसकी टोटल पॉपुलेशन 9.4 मिलियन है, ये ईस्टर्न यूरोप है। और बेलारूस का जो कैपिटल है मंसिक है, मंसिक कैपिटल है, इनकी लार्जेस्ट सिटी है, और बहुत खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। जब मैं देख रही थी इसके बारे में, मजीद पढ़ी थी, तो मैंने कहा ओ ये तो इतना आसान है कि आपको एक तो वीजा के लिए इतनी वो कहते हैं ना कि भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा, यस फोरी मतलब यू नो भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। और साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि 76 कंट्रीज कौन कौन सी है, इसमें शामिल है पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, ब्रेन और बहरीन और कुवैत, ओमान, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, डेनमार्क, सिंगापुर, इटली, बेल्जियम एंड ग्रीस, और इंडिया भी। खैर 76 हो गई, 76 नहीं हुई, और दीगर ममालिक, क्योंकि अगर मैं 76 बोलने आती तो मैंने वो बताया आपको स्पेसिफिक जिनका मैं जिनकी कंट्रीज पे थोड़ा हैरान हुई थी, इसलिए लोगों ने भी ये नाम सुना होगा तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ईरान भी ले लें, कुवैत भी ले लें, ओमान भी ले लें, कुछ ऐसे बहरीन भी ले लें, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनको जिनके लोगों को भी बहुत ज्यादा क्रॉस चेक किया जाता है, ईरान को स्पेशली क्रॉस चेक किया जाता है, ट्रैवलिंग में बहुत मसला होता है, इवन पाकिस्तानी
पाकिस्तानियों के साथ भी ये मसला है, चाहे आप यूरोप जा रहे हो, चाहे आप अमेरिका जा रहे हो, चाहे आप लंदन जा रहे हो, बट एनीवेज तो यहाँ पर जो है ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है. और साथ ही साथ बेलारूसियन जो मिनिस्टर हैं, फॉरेन अफेयर के जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने मतलब उन्होंने कहा कि 76 कंट्री में, यू नो, जब आप पढ़ भी रहे होते हैं ना ये चीज़, तो एक प्राउड मोमेंट होती है. वो आपके अंदर एक मुहिब वतन की, देखें हमारे मुल्क को भी आप कहीं ना कहीं अब वो कंट्री आप सोच रहे हैं कि ठीक है यहाँ के लोग आए ट्रैवल करें, यहाँ पर भी टूरिस्ट हैं, यहाँ पर भी लोग जो है जानना चाहते हैं दुनिया के बारे में. मतलब कहीं ना कहीं लोग अब इन चीज़ों को भी सोच रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज इन चीज़ों के लिए सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को भी दूसरे ममालिक की तरह फैसिलिटीज जो है दी जाए. तो ये चीज़ बहुत वैल्यू इंटरनेशनल सर्कल में बढ़ रही है, दैट इज द मेन पॉइंट. हाँ, बस इसके लिए आपको क्या करना है, अभी मुझे लगता है लोग इतने एक्साइटेड हो चुके होंगे, तमाम खवातीन अपने शोहरों के जो है बैंक खाली करवाने के लिए तैयार हो चुकी होंगी. तो इसके लिए आप तो इसके लिए आपको ये है, दो चीज़ें रिक्वायर्ड है कि आपके पास 6 महीने का जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा आपके पास इंटरनेशनल कंपनी का मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है. और मेडिकल इंश्योरेंस भी आप समझ लें 10,000 यूरो. 10,000 यूरो पाकिस्तानी कितने बने यूनुस? 20-22 लाख ऐसे समथिंग. अच्छा, 10 लाख यूरो जो है पाकिस्तानी 20-22 लाख बने, तो इतना आपके पास होना चाहिए. और आपको मैं बता दूं कि खर्चा जिस तरह से अगर आप गए हैं बेलारूस, तो वहाँ पर आपका जो 1 रुपया बेलारूसियन रबल जो है पाकिस्तानी 70 रुपीज़ है, ठीक है, पाकिस्तानी 70 रुपीज़. और आपके पास एक दिन में 4,000 तो एटलीस्ट होने चाहिए पाकिस्तानी रुपीज जो आप वहाँ पर खर्च कर सके. ये वहाँ की ये कि बेस अमाउंट है और ये वहाँ का रूल है. तो इन्होंने आपको रूल देखे, आपको वीज़ा फ्री इन सेंस कि आपको ऑन अराइवल वीजा मिल जाएगा, लेकिन उनके रूल्स भी ऐसे हैं कि विजिट वीजा पे ना? जी, विजिट वीजा पर है. और विजिट वीजा का मैं आपको बता दूं कि 30 दिन से ज्यादा अगर आप रहेंगे तो आपको वहां पर जाना पड़ेगा इमिग्रेशन ऑफिस, क्योंकि बहुत सारे लोग, अब मैं यहाँ पे पता नहीं बोलना चाहिए, आप 30 दिनों का जो है ट्रैवल वो करके अगर आप वहाँ पे जाके यूरोप है, अगर आप वहाँ जाके कहीं और निकल जाएं ये चीजें, तो वहाँ पे लोग जो है वो बाकायदा आपके ऊपर देखें एक तरह से जी कड़ी नजर जो है वो रखी हुई है. और आपको 30 दिन के बाद इमिग्रेशन ऑफिस जाना पड़ेगा और आपको जो है इमिग्रेशन ऑफिस में एग्जैक्टली हाजिरी लगानी है. बट ये सारी जो चीज़ है ना, इस सारी चीज़ों में मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि थैंक गॉड, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू, या हम भी उन कंट्रीज में आ रहे हैं जिन कंट्रीज को सेफ समझा जाता है, जिन लोगों को सेफ समझा जाता है और जिन लोगों को इतनी लाइक कहीं ना कहीं छूट दी जाती है कि वो लोग भी ट्रैवल कर सकें. अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लगता है कि अच्छी बात है हमारे जो पासपोर्ट में मजीद हमारे कंट्री की वैल्यूज ऐड हो रही है. और यूके इज समथिंग के जो कि बड़ा फैसिनेट करता है कि यूके जाना है, और लेकिन आप सारा टाइम अंडर ऑब्जर्वेशन हो तो वही थोड़े से प्राइवेसी इश्यूज आ जाते हैं. बट अच्छा है, लेकिन ये बड़ा पुरकशिश तरीके से ना लोगों को अपने पास बुलाने का तरीका है, और उनके पास जो भी है उनकी सेविंग जितने भी उनके पैसे हैं, तो इस तरीके से ऐसे पैकेजेस दे दे ताकि लोग अट्रैक्ट और इंस्पायर होके, फायदा उनका है हमारा कुछ नहीं हो रहा, बट स्टिल आपको जाना है, अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है. फायदा क्यों नहीं हो रहा हमारा? देखिए दुनिया में अगर आपको ग्रो करना है, मैच्योर करना है, यू नीड एक्सपोजर. एक्सपोजर दो चीजों से आता है, आइदर ट्रैवलिंग द वर्ल्ड और दूसरा रीडिंग. आप वो किताबें पढ़े, वो किताबें पढ़े जिन्होंने दुनिया देखी है, ट्रैवल किया है, यहाँ बैठ भी सकते हैं लोगों के साथ जिनके तजुर्बात होते हैं, उससे भी बड़ा सीखने को मिलता है. बिल्कुल बिल्कुल. और जो बेला चौक कंट्री है ये बड़े तेज है. मैं आपको बता दूं इनकी इकोनॉमी इतनी तबाह हो चुकी है, यूरोपियन कंट्रीज जो यूएस है वो ज्यादा तबाह हो चुके हैं एज कम्पेयर टू, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, बहुत सारे लोगों ने, बिल गेट्स ने इवन कहा है कि पाकिस्तान ने जैसे पेंडेमिक को फाइट किया या ऐसे रूल्स बनाए, अमेरिका नहीं कर पाया, खरबों डॉलर बचा सकता था अमेरिका. Having said that, ये क्या करेंगे यूरोपियन कंट्रीज, ये टूरिज्म बढ़ाएंगे, अपनी इकोनॉमी ग्रो करेंगे, और तब सीन ऑन हो जाएगा, इनका कहेंगे चलो भागो यहाँ से. कोई भी छोटी कंट्री अगर अपने आप को लाइक एस्टैब्लिश करना चाहती है या मोर ग्रूम करना चाहती है, तो वो टूरिस्ट के पैसे पर ही होती है. बट अगेन बात हुई कि यूके इज वेरी सेल्फिश कंट्री, हमेशा अपना ही मफाद सोच के कोई काम करता है, आपकी वेलफेयर के लिए सॉरी से कुछ नहीं करेगा. हाँ ये तो है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि कम से कम आपको जो है वो ख्वार नहीं होना पड़ेगा अब, अगर आप मतलब वीजे के लिए ख्वार नहीं होंगे, क्योंकि
बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे खुद के पर्सनली इतने सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी हमेशा यही शिकायत रहती है कि अगर आप किसी बैरून मुल्क जा रहे हैं तो वहाँ पर सबसे पहला टास्क ये होता है कि आपको जो है वो वीज़ा नहीं मिल पाता। और एक और भी चीज़ है, मैंने ये चीज़ मतलब पढ़ी थी कहीं पर, वो ये है कि अगर आपको वहाँ पर मतलब 2 साल के लिए वहाँ पर रिहाइश पजीर होना है या 2 साल के लिए रहना है, 5 साल के लिए, तो पैसे देकर जो है वो आपकी डेट बढ़ जाती है, यानी कि मेरे ख्याल से 5 लाख समथिंग होता है जिसमें आप जो है आपको इजाजत मिलती है वहाँ पर 2 साल रहने के लिए। सो विजिट वीजा, स्टूडेंट वीजा, नहीं अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, मतलब अगर मैं पाकिस्तान से अगर मैं पाकिस्तान से किसी और जगह पर बिजनेस करना चाहूंगी तो मुझे वहां पर एक स्पेसिफिक फीस होगी, वीजा वीजे के लिए वो मुझे देनी पड़ेगी 5 लाख समथिंग जो है वो होती है, उसके बाद मुझे इजाजत मिलेगी। माशाल्लाह से कायनात, आपने बहुत अच्छी न्यूज़ बताई है, वाकई में उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है वाकई में। और ये दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हुई चलूँ कि ये जो वीज़े की प्रॉब्लम है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और जैसे मतलब वीजा जो है रिजॉल्व हो गया ना, मतलब जिसकी जो प्रॉब्लम है ये बहुत सारे लोगों को जो है वो प्रॉब्लम में आती थी, टेंशन होती थी कि यार ये वीज़ा नहीं लग रहा, और कितने सारे लोग जो है वो डिप्रेशन में भी चले जाते थे। एक हमारे पास छोटा सा ब्रेक है और आप लोगों को तो पता ही है कि वीजा हमारे पास ऑन अराइवल है, और आप लोग जाएं और फटाफट जाके टिकट कटाएं, और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और जैसे कि मैंने कहा था, आज आपने जो है वो मेरे टॉपिक के लिए इंतजार जरूर करना है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितनी नेगेटिविटी हम देखते हैं सारे लोग जो है वो एक ही बात करते हैं, वो ये करते हैं कि जी आखिर GDP को तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे दौर में GDP बहुत अच्छी है, नून लीग की तरफ से ये तासुर आता है कि मेरे दौर में GDP बहुत अच्छी है, लेकिन आज हम जानेंगे कि आखिर किसके दौर में GDP जो है वो इतनी स्ट्रांग हुई है और किस तरह जो है वो फर्दर GDP को बनाया गया है, ये मैं आपको अपने प्रोग्राम में आज जरूर बताऊंगी। सना एक मिनट रुक जाइए यहीं पे, मुझे तो पता है GDP का, यकीनन हम सबको ही पता है, लेकिन जो हमारी अवाम देख रही है जरा उनको बता दें, ऐसा ना कि वो PDM की तरह इसको भी कोलैप्स कर दे। बिल्कुल अनम, आपने सही कहा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो PDM की तरह, पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट की तरह, जो की एक पार्टी तमाम मुश्तरक पार्टी है, उनकी तरह GDP को भी ले लेते हैं कि GDP कहीं एक नई कोई जमात तो नहीं आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें GDP जो है GDP जो है वो अपने में आपकी मईशत पर नजर रखती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होते हैं वो GDP का टोटल फुल फॉर्म है। लेकिन अगर मैं GDP की आपको बात करूं तो इसमें सबसे पहले एक गुड न्यूज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, वो ये है कि पाकिस्तान की GDP जो है वो अभी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, यानी कि $315 अरब जो है वो अब पहुंच चुकी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। कोविड में जिस तरह से हमने सर्वाइव किया, उसके बाद इस हद तक पहुंचना अनबिलीवेबल है, सीरियसली। और अब आते हैं जी GDP पर, ये PDM नहीं है, ये GDP है। GDP को आसान अल्फाज में, जिससे आप मेरी बात आराम से समझे, वो ये है कि मैंने अगर कोई गाड़ी जो है वो एक्सपोर्ट करनी है, यानी कि किसी और मुल्क में मैंने यूनस को वो गाड़ी जो है वो देनी है, तो जो यूनस वो मुझसे गाड़ी खरीद रहे हैं उसका जो पैसा आता है वो हमारे GDP में प्लस हो जाता है। इसी के साथ जो है वो ये पैसा प्लस हो गया। अब हमारे यहाँ पर बहुत सारी कपास है और इंडस्ट्रियल काफ़ी ज़्यादा हमारी जो चीज़ें हैं वो भी एक्सपोर्ट होती है, इंपोर्ट भी होती है, लेकिन अगर कोई चीज़ मैं इंपोर्ट कर रही हूँ तो इसके जो पैसे होंगे वो यूनिस के पास उसकी GDP में प्लस होंगे, यानी कि वो मेरे पास से जो है वो माइनस होंगे लेकिन यूनिस के पास से वो प्लस होंगे। तो ये एक बहुत बेसिक जो है वो इसका फ़र्क है, जो कि आप तमाम आपने समझाया, लेकिन अपनी गाड़ी वापस लेने खराब है। अच्छा सना, जैसे कि आपने GDP का बता दिया, लेकिन ये बताएं कि कोविड के बीच में GDP का क्या हाल है? मैं आपको कायनात बताऊं कि कोविड में आपको पता है कि पूरी दुनिया ने जो है वो सर्वाइव किया, पूरी दुनिया ने सर्वाइव किया। और यहाँ पर ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि World War II के बाद अगर मईशत को नुकसान पहुँचा है तो वो कोविड में पहुँचा है, यानी कि 2020 में हमें जितना नुकसान पहुँचा है पूरी दुनिया को, इतना जो है वो World War II में पहुँचा था, उसके बाद पहुँचा। एक जस्ट रफली जो है वो बता देती हूँ कि कौन से जो है वो मुल्क पर जो कोविड था उसने असरअंदाज डाला है। तो एक रफली मैं आपको बताती हूँ कि UAE की बात करूं तो UAE में जो है वो 7.3
6% जो है वहां की जीडीपी डाउन हुई है. 7.6% यूके की बात करूं तो 10% वहां पर जो है उनकी जीडीपी डाउन हुई है. इंडिया की 10.3% जो है वहां की जीडीपी डाउन हुई है कोविड के अंदर. और टर्की में जो है वो 5% जो है वहां की डाउन हुई है. लेकिन चाइना के जहां से वो वायरस आया था वहां की जीडीपी जो है वो डाउन नहीं हुई है, लेकिन वो स्लो डाउन हुई है, यानी कि तेजी से बढ़ी नहीं है. और अगर पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में जो एक दिखाया जा रहा था कि बहुत ज्यादा जीडीपी गिरी, इतनी ज्यादा नहीं गिरी, 0.4% पाकिस्तान में जस्ट कोविड के अंदर जीडीपी गिरी है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कि हमने जिस तरह से सर्वाइव किया था. अच्छा, यहां पर सिक्योरिटी मेजर्स बहुत अच्छे लिए थे. हां बिल्कुल, ऐसा हम कह सकते हैं. लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट तासुर यह है कि अभी रिसेंटली जो है वो अगर हमारी जीडीपी बढ़ी है, यानी कि 315 तक हमारे अगर जो है वो पहुंचे हैं $300 अरब तक, तो वो किस तरह से हुआ है. तो मैं इसकी एक रफली आपको एक बताती हूँ कि कौन कौन से जो है वो उसमें हमारी इंडस्ट्री जो है उन्होंने ग्रो किया है और कौन कौन सी इंडस्ट्री जो है वो अभी मजीद ग्रो करना बाकी है. सो एक रफली मैं आपको बताऊँ तो मैं अगर टेक्सटाइल की बात करूं तो रवा साल जो है वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, यानी 30% जो है उसमें हमें इजाफा देखने को मिला है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. और अगर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की बात करूं तो $7.84 अरब तक जो है वो जा पहुंची है. आईटी एक्सपोर्ट की बात करूं तो आईटी एक्सपोर्ट जो है वो 39% जो है उसमें इजाफा हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है. और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 30% इजाफा जो है वो हमें देखने में मिला है. इसी के साथ अगर हम आगे फर्दर बढ़ें और गाड़ियों की जो है वो हम फरोख्त पर आ जाएं तो गाड़ियों की फरोख्त में जो है वो 71% जो है वो इजाफा मिला है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है, एंड दैट्स रियली अमेजिंग. और अगर ट्रैक्टर्स की बात करें तो ट्रैक्टर्स की सेलिंग में जो है वो 14% तक हमें इजाफा मिला है. डोमेस्टिक सीमेंट की सेल्स में भी हमें फायदा मिला है. फर्दर इसमें हमें बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें फायदा मिला है, लेकिन हमें अगर कुछ बढ़ाने की जरूरत है वो है जी, हमें अपनी कपास जो है उसको थोड़ा सा और उस पर काम करना जरूरी है, क्योंकि कपास में हमारा उस हद तक फायदा नहीं हो रहा जिस हद तक होना चाहिए. और हमारा रेवेन्यू जो है वो हमें डेफिनेटली बढ़ाना चाहिए. रेवेन्यू जो FBR की तरफ से टैक्स कलेक्ट होते हैं वो जरूरी है बढ़ाने. सना मुझे एक बात बताएं कि जिसे नून लीग कहते हैं, आपने स्टार्टिंग में भी कहा कि हमारे यहाँ अच्छा था, ये इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट हो गए थे हमारे यहाँ जीडीपी अच्छा था, सच बताएं अब हम. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक ऐसा सवाल है जो कि तमाम तर आप अगर न्यूज़ चैनल देखेंगे तो वहाँ पर आपको PTI के जो मेंबर होंगे वो आपको अपनी हुकूमत के हवाले से दलाइल देते मिलेंगे. नून लीग की जो हुकूमत के मेंबर होंगे वो अपनी हुकूमत की तरफ से दलाइल देते मिलेंगे. लेकिन हम हमेशा न्यूट्रल बात करते हैं, ना तो मैं जी इस साइड हूँ ना तो मैं उस साइड हूँ, क्योंकि सहाफ़ी जो है वो कभी भी किसी साइड नहीं होता. तो मैं अच्छा, एक अंदा यस तो मैं वो पर्ची वाला नहीं तो मैं एक जर्नली जो है वो रिसर्च लेकर आई हूँ, जिस पर आपको आज जानकर हैरानगी होगी कि आप जो समझते थे कि नून लीग के दौर में जीडीपी ग्रो कर रही थी, ये हकीकत है नून लीग के दौर में जीडीपी ने ग्रो किया है, लेकिन किस तरह किया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ जी. कि जीडीपी जो नून लीग का दौर था उसमें जीडीपी में जो है वो काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला था. जिस वक्त नून लीग में मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी उसमें हमने देखा कि जीडीपी जो है वो 3 पॉइंट तक पहुंच चुकी थी. लेकिन अब आते हैं जी इसके बैक साइड पर, यानी कि खसारे पर. हमारा जो अकाउंट था वो काफी सारे में था, यानी कि 19 बिलियन जो है वो माइनस में हमारा अकाउंट था, यानी हमारा खसारा इतना ज्यादा बड़ा हुआ था. हमारा लोन था. एग्जैक्टली, हमारा खसारा इतना ज्यादा बड़ा हुआ था जिस पर जो है वो हमारी जीडीपी तो नजर आ रही थी, लेकिन मुल्क में जो आम इंसान है जिनको पता नहीं होता कि हमें जीडीपी तक पता है लेकिन हमें खसारे तक नहीं पता कि वो सरप्लस में है या माइनस में है. तो नून लीग के दौर में हमारा जो अकाउंट था वो खसारे में था, एंड माइनस माइनस अगेन कहूं कि हमें जो है वो 19 बिलियन हमारे माइनस में थे. तो उन्होंने क्या किया नून लीग वालों ने दिखाने के लिए कि मेरे पास जो मैं हुकूमत में हूं, मेरी जीडीपी दुनिया देख रही है, उसमें क्या किया कि मैंने आपसे तमाम लोगों से मैंने कर्जा ले लिया. कर्जा लेने के बाद मैं अपनी एक्सपोर्ट पर काम करी, इम्पोर्ट पर काम करी, लेकिन मेरा जो अकाउंट है वो तो माइनस में ज्यादा जा रहा है लेकिन मेरी जीडीपी दिख रही है. तो उन्होंने मोटरवेज पर काफी काम किया, लेकिन यही चीज है कि मईशत और जो खसारा था उन पर वो काम नहीं कर सके. आप बातें जी PTI पर, जिस वक्त नून लीग गई है उस वक्त नून लीग ने जो हमारे पास जीडीपी कह दूं या हमारे पास जो एक जीडीपी के जो सरमाया था वो था जी हमें $284 अरब जो है वो उस वक्त हमारी जीडीपी पहुंच गई थी. लेकिन ये कोविड था. आप ये देखें कि कोविड के दौर में बहुत ज्यादा हमें जो है वो तमाम दुनिया को ही जो है वो बहुत सर्वाइव करना पड़ा. तो उस वक्त हमारी जीडीपी इमरान खान साहब के आने के बाद बढ़ सकती थी, लेकिन बड़ी नहीं स्लो डाउन हुई. मैं अभी भी कह रही हूँ स्लो डाउन हुई, बड़ी नहीं बड़ी कब है
हमें 2021 में बढ़ती हुई नजर आई है, 20 को तो हम माइनस कर देंगे। लेकिन फिर जो है वजीर आजम इमरान खान साहब जैसे आए उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने जो है वो तमाम तर जो फजूल खर्ची थी, जैसे उनके जो जितने भी पार्लियामेंटेरियंस थे वो जब एग्जैक्टली वो बहुत ज्यादा अपने बाहर मुल्क जाते थे पैसे खर्च करते थे, उन्होंने सबसे पहले जो है वो इस चीज पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी लगाने के बाद हमारा नेक्स्ट मिशन ये था कि हमें अपना जो है वो जो 19 बिलियन जो हमारे माइनस में थे उसको एटलीस्ट हमें खत्म करना है। जो महंगाई आपको दिख रही थी, मैं अगेन कहूँ कि वो महंगाई जो है वो इसलिए आप लोगों के ऊपर है क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह 19 बिलियन जो हमारे माइनस में थे वो खत्म हो चुके। सना ब्रेक का टाइम हो गया, ये कंटिन्यू कीजिए। बस मैं एक बात बोल दूं, मेरा सना आप जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं, मेरा एक दोस्त है पप्पू, वो इतना मैंने उसके बारे में जिक्र किया कि वो यूज्ड टू हो गया, मेरे शो का हिस्सा बन गया। ये यू शुड इनवाइट हिम टू आवर शो, समडे आई विल इनवाइट हिम। बट मैं बताता हूं क्या हुआ, तो अभी ये भी मरियम नवाज के बेटे की मेहंदी थी या क्या थी, गाना गाया उन्होंने ना, तो बोलता मैं बड़ा उदास हूँ। मैंने बोला पप्पू क्या हो गया, बोलता है यार मुझे समझ नहीं आ रही यार, तू देख तो सही यार मरियम नवाज गाना गा रही है। मैंने बोला कि बुरी बात है, गाना गा रही है, बेटे की शादी गाना गाने दो। बोलता नहीं मुझे गाने से मसला है। क्या तो उसने कहा कि वो गाना गा रही थी, चुरा लिया है तूने जो दिल को। मैंने बोला इसमें बुराई क्या है, कहता है इन लोगों के तो गाने भी चोरी से शुरू होते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक सना, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया और मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को भी समझ में आया होगा जीडीपी के बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में जो आपने इस हवाले से इन्फॉर्मेशन दी हमारे मुल्क की। इस पे इस टॉपिक को ख़त्म करी हूँ, मजीद कभी फर्दर बात करेंगे अपने आगे आने वाले शोज में, लेकिन इस टॉपिक को मैं क्लोज कर देती हूँ सिर्फ ये बोल के कि मैंने भी अक्सर एक बात बोली कि इन्फ्लेशन होती है, आप कहते हैं महंगाई है महंगाई महंगाई, अरे भाई कर्ज उतर रहे हैं इसलिए महंगाई हो रही है, सो प्लीज़ हौसला रखिए सब ठीक हो जाता है। अच्छा इसके साथ साथ मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे शो के लिए मैसेज है, जैसा कि मैं आपको अपने हर दूसरे तीसरे शो में रिपीट करती रहती हूँ कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी व्यूज अपने रिव्यूज हमें दे सकते हैं, हम उसके बदले में आपको बहुत सारे सरप्राइजिंग गिफ्ट्स भेजेंगे। सो हमारे पास आज एक और रिफ्रेशिंग सा वॉइस नोट है, सो प्लीज वॉइस नोट को प्ले किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, शाहिदा बात कर रही हूँ मैं इस्लामाबाद से। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं आपका शो डेली देखती हूँ और मुझे डेली आपका शो देख के जो एनर्जी मिलती है उसके लिए मैं स्पेशली यही कहूँगी कि आपका शो जस्ट एंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव भी बहुत है। और मैं डेली आप लोगों का शो देखती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जब मैं ये शो देखती हूँ तो यानी इसमें सिर्फ बड़ों के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी बहुत नॉलेज है। इसके अलावा आप लोगों की जो गपशप में टॉपिक होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है और सबसे मज़े की आप लोगों की जो बात है वो ये है कि आप लोग यंग जनरेशन को बहुत प्रमोट करते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत बहुत सारी कामयाबियाँ दे और इसी तरह आप हमारे लिए अच्छा अच्छा शो डेली बेसिस पर लेकर आएँ ताकि मैं पर्सनली आप लोगों का शो देख सकूँ। और अपना बहुत सारा आप लोग ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच शायदा जी, थैंक यू। ओके सो थैंक यू शायदा, इंशाल्लाह हम अनकरीब आपके दिए गए टॉपिक पे थोड़ी सी नजरें सानी करेंगे और बात करेंगे इसके बारे में और आपका सारा जो भी फीडबैक है थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएटेड। नाउ आई वांट टू कम ऑन माय टॉपिक, जैसे कि आप सबने अपनी करंट अफेयर्स और दुनिया में जो भी हो रहे हैं सबसे आगाह कर दिया, एक बड़ी मजेदार सी चीज है और काफी इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि मैं सबसे ज्यादा यूके को रोस्ट करती हूँ और अमेरिकन को मैं सबसे ज्यादा मतलब क्या कहना चाहिए कि उनके लिए हार्श हो जाती हूँ थोड़ी सी। तो मेरी जो अभी करंट रिसर्च है उसके मुताबिक एक नई इन्फॉर्मेशन सामने आई है और इंटरनेट इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान है, लेकिन ये काफ़ी ऑब्वियस सी भी बात है क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो होना ही था। वैसे भी कहा जाता है कि अपने दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो मैं बात कर रही हूँ चाइना की, एक नई रिपोर्ट आई है और उसमें ये चीज़ सामने आई है कि चाइना अनकरीब US को टेक्नोलॉजी में मात देने वाला है क्योंकि हम हर चीज़ देखते हैं कि जैसे कि यू ऑल नो कि हम टेक्नोलॉजी में हमारे यहाँ पे चले अब तो कैजुअल माशाल्लाह से इस चीज पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर मैं बैरूने मुल्क देखूं तो इंटरनेशनल कंट्रीज में यूएस ये जो हर चीज में बहुत ज्यादा है। ये ऐसा कुछ लोगों को लगता है जिनकी नॉलेज थोड़ी सी कम है, मैं स्पेशली उनके लिए लाई हूं कि चाइना जो है वो भी अब पीछे नहीं रहा है, चाइना बल्कि उसके साथ उसको टक्कर देने वाला है और बल्कि उससे भी आगे जाने वाला है। तो अमेरिकन के लिए अब ये लम्हा फिक्र है क्योंकि वो समझते हैं कि उनको कोई भी कंपनी
कम्पीट नहीं कर सकता. सो हमेशा अगर आपको ये लगता है कि मैं सुपर पावर हूँ और मेरे ऊपर कोई नहीं आ सकता, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होती है. क्योंकि हमेशा आपको तैयार रहना चाहिए, कोई भी, जब आप इतने स्ट्रांग होते हैं ना, तो बी प्रिपेयर फॉर राइवल. राइवल मीन्स दुश्मन. अभी दुश्मन जी से मैं आपको एक नई रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट किसकी आई है? ग्रेट टेक्नोलॉजी राइवलरी. मतलब कि दुनिया में जो टेक्नोलॉजी को लेकर दुश्मनी हो रही है, उस पर एक करंट हालिया रिपोर्ट जा रही है. और उसमें जो हार्वर्ड वेलफेयर सेंटर ने जवाब दिया है कि क्योंकि एक क्वेश्चन किया गया था कि क्या, जैसे मैंने अपने टॉपिक की शुरुआत इस जुमले से की थी कि चाइना विल सून लीड द यूएस इन टेक्नोलॉजी, तो इस क्वेश्चन को लेके जो ये है सर हार्वर्ड वेलफेयर सेंटर, इन्होंने ये जवाब दिया है कि यस इट इज, एंड दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन. कि अब यूएस जी, कि अब यूएस को अपने कान आंख पैर जो भी बंदे सब खड़े कर लेना चाहिए. जैसे कि आप कहते हैं ना कि उनको, क्योंकि यूएस को ऐसा लगता है कि वो हर चीज में बहुत सुपर पावर है, बड़े स्ट्रांग है, और वो हर चीज कर लेंगे, ना कभी खत्म होंगे ना कभी उनको डिफीट मिल सकती है. सो यूएस वालों, मुझे पता है आप लोग हर चीज में बहुत आगे हो, लेकिन अभी जो एक और उनकी रिसर्च के मुताबिक मैं एक चीज बता दूं कि इस चीज में आप आगे नहीं है. मैं पूरे फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बात कर रही हूं. अच्छा, फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में लोगों का बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है. फैक्ट्स और फिगर्स वो होता है जो आपने अपनी आंखों से देखा होता है, या अगर आपने नहीं देखा, किसी और ने भी देखा है, और वो चीज अगर दुनिया के सामने लाई जा रही है, वेदर ऑन द बुक, ऑन इन द इंटरनेट, या फिर टीवी डॉक्यूमेंट्रीज, तो वो कहलाता है फैक्ट्स और फिगर्स. ये नहीं कि मैं अपनी दोस्त की बात सुन के बोलूं अरे talking on the facts or figures, तो sorry, वो rumor. जी, वो rumors हो सकते हैं, वो myths हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. तो मैं जो अभी आपको आपको बता रही थी कि US आपको लग रहा है कि आप हर चीज में आगे, तो सुने आप बहुत सारी चीजों में पीछे, और ये अभी करंट रिपोर्ट जारी हुई है. मैं उन फैक्ट और फिगर्स पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगी. चाइना ने प्रोड्यूस, ये लास्ट ईयर की बात करूं, जबकि पेंडेमिक भी था, तो फिर भी उनकी प्रोग्रेस थी, लेकिन कम थी. चाइना ने प्रोड्यूस किए 50% ऑफ वर्ल्ड्स कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स, जबकि थैंक यू, जबकि यूएस ने प्रोड्यूस किए ओनली 6%. सो यूएस, वेयर आर यू स्टैंडिंग, और आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? आपको क्या लगता है आपको कोई हराने नहीं आ सकता है? तो जब वो क्या कहते हैं कि जब आपके पास ज्यादा पावर्स होती हैं, तो आपके दुश्मन भी बड़े लेवल पे तैयार होते हैं. अनम के एक्सप्रेशन से मुझे लग रहा है जो बाइडेन तो गई हो. अच्छा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गाड़ियां जो हमारे व्हीकल्स हैं वो सबसे ज्यादा जापान से आते हैं, चाइना से आते हैं, उसमें यूएस एस सच कोई हाथ नहीं है. उसके बाद एक और चीज के वायरलेस 5G स्टेशंस, मैं आपको बता दूं एलोन मस्क आगे एक फोन बनाने वाले हैं और उसमें 5G होगा और बिल्ट इन इंटरनेट होगा. यू डोंट नीड टू सब्सक्राइब या चार्ज या पैकेज या वो घर पे वाईफाई डिवाइस, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. चाइना के बारे में मैं आपको एक स्टेटमेंट दे दूं, और ये बड़ी पक्की, और ये चाइना ने ऐसा नहीं किया कि हमें मजबूर किया बोलने पर उनकी बातें कर करके, जैसे यहाँ के लोग बातें करते हैं और हम उसकी हम किसी ना किसी चीज से मजबूर होकर बोलते हैं कि यार फलाना इंसान इज वेरी स्ट्रॉन्ग. सॉरी, चाइना ने अपने एक्शन से हमें कन्विंस किया है, और आगे आने वाले, क्योंकि 2030 पे कहा जाता है कि चाइना ग्लोबली लीड करेगा, इस पूरी दुनिया पे रूल करेगा. एग्जैक्टली. और एक और बड़ी चीज है टेक्नोलॉजी के बारे में, हर साल उनके बच्चे टेक्नोलॉजी को रखते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे बायो रखी जाती है, आर्ट्स रखी जाती है, वहाँ के बच्चे टेक्नोलॉजी प्रेफर करते हैं. और एवरी ईयर क्यों चाइना इतना टेक्नोलॉजी में बूम करे, बिकॉज वहाँ के बच्चे टेक्नोलॉजी रखते हैं और वहाँ से ग्रेजुएट होते हैं और इस पर फर्दर काम करते हैं. फिर यहाँ से उनकी जो सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबॉरेटरीज हैं, और वहाँ से जो उनके बच्चे फ्लरिश करते हैं, वहाँ से उनका जो फ्यूचर फ्लरिश होते हैं, क्योंकि बच्चे ही होते हैं, जैसे हम स्टूडेंट्स हैं या हम जो नौजवान होते हैं, हम ही कंट्री का क्या होते हैं, प्राइड होते हैं, हम ही बनाते हैं, बिगाड़ते हैं. तो जब उनका सारा फोकस ही टेक्नोलॉजी पर है, इंटरनेट पे, तो मुझे आई एम श्योर कि आगे आने वाले कुछ वक्तों में हमें चाइना, तो वैसे हमारा दोस्त ही है, चाइना इज आवर फ्रेंड कंट्री, बट स्टिल चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रहते हैं, और हम कोशिश करेंगे हम अच्छे बना के रखें. क्यों, हमेशा आपको एक सपोर्ट सिस्टम, आप जितने भी स्ट्रांग हो, आपको चाहिए होता है. तो हर कंट्री ना सेल्फिश है, पाकिस्तान की दोस्ती में उनको फायदा, दैट इज द रीजन वी आर फ्रेंड्स. सिंपल एज इट इज, हम भी फायदा हो रहा है कि मेरा दोस्ती है, जुम्मा कोई आएगा ए यजुम्मा जो मारना इनको. लेकिन कीपिंग ऑल दोस थिंग्स असाइड, मैं साथ साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि लाजमी नहीं होता कि हर दफा आपकी दोस्ती में कोई मफाद ही पीछे छुपा हो, कभी कभी आप जेन्युइनली भी किसी के लिए केयर एंड कंसर्न रखते हो. तो इंशाल्लाह मुझे लगता है आगे आने वाले वक्त में बहुत सारी बेहतरियां और तब्दीलियां आने वाली हैं. जी अनम, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि दोस्ती में लाजमी नहीं मफाद हो, और चाइना को हमसे कोई मफाद नहीं, जेन्युइन लव ही लगता है. लेकिन चाइना के साथ जो हमने सीपैक का ये मुआहदा किया है वो बहुत ही बेहतरीन है.
और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द अनकरीब ये पूरा भी हो जाएगा, वी कैन होप फॉर द बेस्ट। एंड साथ ही साथ मैं एक फन फैक्ट बताती चलूँ एलन मस्क के बारे में, कि एलन मस्क जो है वो काफ़ी ही सेंसिबल इंसान, सेंसिबल अप्रोच रखने वाले इंसान है, और लेकिन खैर वो भी हमारी तरह आम इंसान है, लेकिन ऐसे दिमाग रखने वाले लोग जो है मैं बहुत पसंद करती हूँ, काफ़ी विजनरी लोग होते हैं। तो एक आपको मैं बता दूँ, लेकिन इस पर मजीद मैं अपने आने वाले शोज से बात करूँगी, बट एक फन फैक्ट बताती चलूँ जो कि आप सबको बड़ा अच्छा लगेगा सुन के, कि आगे आने वाले वक्तों में वो एक ऐसा फोन निकाल रहे हैं जो कि 5G, क्योंकि मैंने टेक्नोलॉजी के बारे में बात की, तो 5G बिल्ट इन होगा, और उसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन, कोई चार्जेस, कोई पैकेज, कोई वाईफाई डिवाइस की जरूरत नहीं है, और वो होगा भी बहुत हैंडी, और दूसरा इजी ऑन बजट। तो एलन मस्क के बारे में एक और चीज यहां मैं डिस्क्लोज करती चलूं, कि वो जो भी चीज निकालते हैं वो इतनी बजट पे रखते हैं इजी के लोग उसको अफोर्ड कर सके। ये तरीके होते हैं अपनी चीज बेचने के और अपनी मार्केट बनाने के। तो उनकी जो गाड़ियां उसमें इतने अच्छे खासे माशाल्लाह से फीचर्स मौजूद हैं, बट वो इतनी कन्वीनियंट है कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, और ऑन द अदर हैंड कुछ गाड़ियां उसमें ऐसे कोई फीचर, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, बट वो इतनी एक्सपेंसिव है कि लोग नहीं ले पाते हैं। ब्रांड वैल्यू, एग्जैक्टली वही, कि ब्रांड अपने नाम से बिकते हैं भले हो उसमें कख भी ना, बट एनीवे। तो कमिंग बैक टू माय पॉइंट, कि एलन मस्क के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आगे आने वाले सालों में एलन मस्क ही रूल करने वाले हैं, मतलब उनकी चीजें जो है हमारी जिंदगी में और बहुत मजीद बेहतरी और आसानी पैदा करेगी, और काफी सही बात है, क्योंकि इंसान जो है इंसान की उसके लिए सर्व करे अपनी जिंदगी, तो आई शुड रियली अप्रिशिएट एलन मस्क कुछ चीजों में, मुझे वाकई उनका विजन अच्छा लगता है। लेकिन हमें डिटेल में जानना है इस बारे में, इस पर मैं मजीद शोज करेंगी और थोड़ी और बात करेंगी, लेकिन अभी हमारे शो का वक्त कायनात खत्म हुआ चाहता है, लेकिन जाते जाते मैं आज इस शो को बड़े खूबसूरत नोट पर एंड करना चाहती हूँ, क्योंकि काफी पॉलिटिकल और ऐसी कॉन्वर्सेशन रही है, तो क्यों ना शो को एक खूबसूरत नोट पे उसका इख्तिताम किया जाए। मुझे 2 मिनट के लिए आपकी तवज्जो चाहिए होगी, और लिटरेचर का, क्योंकि हमारे एक थी जिनका वॉइस नोट आया था, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, उन्होंने कहा था कि आप लिटरेचर भी ऐड करें इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के साथ साथ। तो जी देखिए, हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, जो कहा है पूरा करेंगे, हर दी गई बात को हम सुनते हैं और उस पर पूरा अमल करने की कोशिश करते हैं। बट ऑन दिस नोट मैं आप सबसे इजाजत लूंगी और शो को खत्म करना तो चाहूंगी, मगर उससे पहले मैं एक बड़े खूबसूरत से नोट पे हकीम नासिर साहब के कुछ चंद ब्यूटीफुल से अशार और मीनिंगफुल शायरी है वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगी। कोई गलती कोताही हो जाए तो माजरत कीजिएगा, वैसे तो आई वॉज अ लिटरेचर की स्टूडेंट, बट स्टिल पहली दफा पढ़ रही हूँ ऑन कैमरा, सो मुलायजा कीजिएगा और थोड़ा सा साथ दीजिएगा। ये जख्म आज दिल का जो गहरा दिखाई दे, ये जख्म आज दिल का जो गहरा दिखाई दे, ऐ काश कोई दर्दे शनासा दिखाई दे, उस तिश्नाए लब पे फिर भी किसी की नजर नहीं, उस तिश्नाए लब पे फिर भी किसी की नजर नहीं, कतरा भी जिसको प्यास में दरिया दिखाई दे, बेहतर यही है देखो उसे तुम करीब से, बेहतर यही है देखो उसे तुम करीब से, तुमको जो दूर से अच्छा दिखाई दे, दीवानगी में उसकी ये वहशत भी देखिए, दीवानगी में उसकी ये वहशत भी देखिए, जिसको चमन बहार में सहरा दिखाई दे, खोलूंगा अपनी आंख ना मैं उम्र भर कभी, खोलूंगा अपनी आंख ना मैं उम्र भर कभी, तेरा मुझे जो ख्वाब में जलवा दिखाई दे, नासिर तुम अपने सर को झुकाना खुलूस से, नासिर तुम अपने सर को झुकाना खुलूस से, उसका कहीं जो नक्श कफे पा दिखाई दे, वाह 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 वाह, छा गई लड़की, जीत गई आप, ये वाटर कूलर कप सब ले ले। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये सब जो मैंने नज़म पढ़ी, एक तरह से शेर व अशार पढ़े हैं या शायरी कह लीजिए, ये मैं सब आप सबकी खिदमत में, वो लोग जो हमारा शो देखते हैं हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, वैसे तो इन अशार के बहुत गहरे मायने होते हैं और शायरी अपने अंदर ही एक ज़ुबान है, लेकिन ये हम सबकी तरफ से हमने एक नया सेगमेंट ऐड किया कि रोज़ाना हम शो के अख्ताम से पहले सब एक एक नज़म या कुछ शेर व अशार आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और एक नजराना समझ के कबूल कीजिएगा। मैं आपसे अब फाइनली इजाज़त चाहूँगी और मिलूंगी आपसे कल हमारे सारे को होस्ट के बिहाफ पे, मैं आपसे इजाजत देती हूँ, हमें इजाजत दें, दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।